हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर इन अमृतसर के विषय में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को अमृतसर पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर अमृतसर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार है, अमृतसर पुलिस उन गैंगस्टरों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। जब हम कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है अमृतसर के कुख्यात गैंगस्टर अरुण छुरीमार का। अरुण छुरीमार पर हत्या के प्रयास, लूट डकैती के 21 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। अरुण ने जुर्म की दुनिया में कदम कोट फतुही एक्सिस बैंक में 9,60,000 और बस्सी दौलत खां में पंजाब नेशनल बैंक से 1,62,000 की डकैती करके रखा था। दोस्तों, आपको बता दें कि अरुण छुरीमार ने ठेके पर करिंदे की हत्या की थी। सितंबर 2019 में मोहल्ला शंकर नगर फतेहगढ़ रोड में अरुण किराए पर रहता था। ठेके को लूटने के इरादे से यह मजदूर का भेष बनाकर आया था। उसने ठेके से एक बियर की बोतल खरीदी और भीड़ कम होने का इंतजार किया। जब भीड़ कम हो गई तो उसने ठेके के ऊपर पिस्टल तान पैसे देने को कहा। इसका विरोध करने पर अरुण ने उसे गोली मार दी और गले से रख के 18,000 रुपये लेकर फरार हो गया। शराब ठेकेदार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इसकी तलाश जारी की, लेकिन इसकी कोई सूचना न होने पर अमृतसर पुलिस के हाथों इसका कोई सुराग नहीं लगा। अरुण ने इसके बाद जुगल किशोर एंड सन्स में लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद गुप्त सूचना पर अमृतसर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है अमृतसर के कुख्यात गैंगस्टर प्रीत सिंह का। प्रीत सिंह पर हत्या के प्रयास, रंगदारी डकैती के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। मनप्रीत सिंह एक शातिर गैंगस्टर था जो अपने विरोधी गैंगों का सफाया करना चाहता था। इसका नाम चर्चा में जब आया था जब इसने गैंगस्टर कुलबीर नरू आणा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मुठभेड़ में मनप्रीत को भी एक गोली टांग में लगी थी, जिसके बाद इसे अमृतसर पुलिस ने अस्पताल में रेफर कर दिया था। मनप्रीत सिंह रोज अपने साथियों के साथ अस्पताल आता था, जहां गैंगस्टर राणा कांदोवालिया भर्ती था। मनप्रीत सिंह ने 3 दिन तक रोज रैकी की थी। मौके पर आकर अस्पताल की 3री मंजिल पर मनप्रीत सिंह ने अपने साथी सदस्यों के साथ राणा कंदोवालिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी और वहां से फरार हो गया था। सन 2016 को एसटीएफ को सूचना मिली कि मनप्रीत सिंह अपने साथी सदस्यों के साथ तरन तारण में है। एसटीएफ ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। इस दौरान दोनों आरोपियों और एसटीएफ के बीच गोलीबारी भी हुई थी, लेकिन अंत में एसटीएफ ने मनी रैया को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है अमृतसर के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का। जग्गू भगवानपुर का निवासी है। जग्गू पर हत्या के प्रयास, चोट, नशे के 25 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। इसका नाम चर्चा में जब आया था जब अमृतसर पुलिस गैंगस्टर जग्गू को सन 2013 में रोपड़ से किसी केस के लिए अदालत ले जाया जा रहा था, तो वह पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात गैंगस्टर जगदीप सिंह जग्गू भगवानपुरी अपने साथी सदस्यों के 2 कारों में सवार होकर जैतपुर के गांव से गुजरता हुआ जालंधर जा रहा था। पुलिस ने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने कार तेजी से भगा ली। आगे पशु आ जाने से गैंगस्टर कार छोड़कर मैरिज पैलेस में छुप गए, जहां अमृतसर पुलिस की गिरफ्त में जग्गू और उसका एक साथी आ गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है अमृतसर के कुख्यात गैंगस्टर राणा कंदोवालिया का। राणा कंदोवालिया पर हत्या के प्रयास, रंगदारी प्रवृत्ति, डकैती के कई दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज है। कुख्यात रणदीप सिंह और राणा कंदोवालिया काफ़ी समय से जेल में भी रहा है। सन 2019 को कोर्ट ने राणा को जमानत पर रिहा किया था। परिवार राणा को हमेशा सुधरने की नसीहत देता रहा है, लेकिन गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया उसे जेल में ही मारने की धमकी दे रहा था। राणा परिवार में सन 2020 को शादी थी, जिसमें राणा ने हर्ष फायरिंग की थी। इस बाबत उस पर गोली चलाने का मामला दर्ज हुआ था। जग्गू का पिछले कई सालों से राणा के साथ विवाद चल रहा था। दरअसल अटारी के पास रहने वाला गैंगस्टर रणदीप सिंह और राणा कंदोवालिया अपने दोस्त अकाली दल बादल के स्टूडेंट विंग
के प्रधान तेजवीर सिंह के साथ किसी रिश्तेदार का हाल पूछने मजीठा रोड स्थित केडी अस्पताल जाया करता था। जैसे ही रणदीप सिंह अस्पताल पहुंचा तो दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे जग्गू भगवानपुरिया के सदस्यों ने गोली मार दी और फरार हो गए। इस आपराधिक घटना को इल्जाम जग्गू भगवानपुरिया ने अपने गुर्गों के माध्यम से दिया था। रणदीप की मौके पर ही मौत हो गई। अमृतसर पुलिस अपराधियों की तलाश में लगी हुई है, लेकिन अभी तक इसका कोई सुराग पुलिस को नहीं लग पाया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है अमृतसर के कुख्यात गैंगस्टर बॉबी मल्होत्रा का। बॉबी मल्होत्रा पर हत्या के प्रयास, लूटपाट, मारपीट और गुंडागर्दी के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। सन 2015 को अमृतसर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात गैंगस्टर बॉबी अपने साथी करण कुमार उर्फ मस्ती के साथ बाइक पर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा है। बॉबी मल्होत्रा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करना चाहती थी, इसलिए अमृतसर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। खुद को घिरा देख बॉबी और करण ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ने अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचाई, फिर वहां से फरार हो गए। बॉबी मल्होत्रा का नाम चर्चा में जब आया, जब सन 2018 में बॉबी मल्होत्रा ने पूर्व पार्षद गिद्धा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान गिद्धा के सुरक्षाकर्मी ने जब जवाबी फायरिंग की तो बॉबी मल्होत्रा भी उसकी गोली लगने से जख्मी हो गया, लेकिन बॉबी के गुर्के उसे सुरक्षित उठाकर ले गए। घटना के कुछ देर बाद ही बॉबी को गिरफ्तार कर लिया गया और लंबी सुनवाई के बाद उसे 4 साल की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है अमृतसर के कुख्यात गैंगस्टर अंग्रेज सिंह का। अंग्रेज सिंह पर हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अंग्रेज सिंह कुछ समय पहले इलाके में गैस सिलेंडर बेचने का काम करता था। धीरे धीरे उसने सिलेंडर को ब्लैक में बेचने का काम शुरू किया। कुछ लोगों की शिकायत पर उसे पकड़वा दिया था। थाने में उसके साथ मारपीट की गई और केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया। जेल में उसकी मुलाकात गैंगस्टरों से हुई, वहीं से वह जग्गू गैंग में जुड़ गया था, जबकि करण मस्ती भी जग्गू गैंग के लिए काम करता था। वर्ष 2018 में गुरु बाजार में 3,20,00,000 की लूट में मस्ती और अंग्रेज सिंह ने अहम रोल था। अंग्रेज सिंह का नाम चर्चा में जब आया था, जब अंग्रेज सिंह ने अपने साथी मस्ती के साथ मिलकर कांग्रेस पार्षद गुरदीप सिंह पहलवान की दंगल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। लूटकांड के बाद अंग्रेज सिंह अपने साथी के साथ फरार हो गया था। इसके बाद दिवाली के दौरान अंग्रेज सिंह और मस्ती में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद अंग्रेज सिंह ने दिल्ली गैंग के साथ मिलकर मस्ती की हत्या कर दी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2019 में छहरटा के बिल्ला कोट खालसा के घर में घुसकर उसकी भी गोली मारकर अंग्रेज सिंह ने हत्या कर दी थी और वहां से फरार हो गया था। इसके बाद अमृतसर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है अमृतसर के कुख्यात गैंगस्टर सामा डोन का। सामा डोन पर हत्या के प्रयास, रंगदारी के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। सामा डोन ने जुर्म की दुनिया में कदम 2007 में रखा था। सामा डोन गुज्जरपुरा का रहने वाला था। सामा डोन पर 9 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सामा डोन वर्ष 2016 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वह जमानत छोड़कर फरार हो गया था। तब से वह पंचकुला और चंडीगढ़ में रह रहा था। सामा कुछ समय पहले ही अमृतसर आया था और डकैती को इल्जाम देने की योजना बना रहा था। सामा अपने धोतियन के गिरोह का सदस्य है और वह गैंगस्टर सोनू कांगला के संपर्क में भी रहा था। उनसे वह सोशल मीडिया से जरिए संपर्क करता था। अमृतसर पुलिस को सूचना मिली कि सामा डोन मई जीवा दिया कबरन इलाके में घूम रहा है। उसे पकड़ने के लिए सेलर वाली गली में एक चेक पॉइंट स्थापित किया गया था। सामा स्कूटर से सी डिवीजन क्षेत्र की ओर जा रहा था, तभी अमृतसर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया तथा सलाखों के पीछे डाल दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है अमृतसर के कुख्यात गैंगस्टर रवि कुमार उर्फ कन्हैया का। रवि कुमार पर हत्या के प्रयास, हफ्ता वसूली फिरौती के 17 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। रवि कुमार उर्फ कन्हैया गुरुद्वारा तूत साहिब सुल्तान विंड रोड का रहने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि होटल व्यापारी बलबीर सिंह सुल्तान विंड नहर के बाईपास पर होटल बना रहा था। रवि कुमार उर्फ कन्हैया ने उससे फिरौती की मांग की,
गई, लेकिन उसने उसका विरोध किया। इस बात पर रवि उर्फ कन्हैया ने उस पर गोली चला दी और वहां से फरार हो गया। अमृतसर पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी कि पुलिस को सूचना मिली कि गैंगस्टर रवि कुमार नज़दीक गुरुद्वारा कॉलोनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घूम रहा था। पुलिस को शक था कि वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट के सामने पेश कर दिया। अदालत ने इसे अमृतसर पुलिस को रिमांड पर भेज दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है अमृतसर के कुख्यात गैंगस्टर प्रीत सेको उर्फ दया सिंह उर्फ लड्डू का। प्रीत सेको अमृतसर के गांव साधना का रहने वाला है। प्रीत सेको ने जुर्म की दुनिया में कदम दोहरे हत्याकांड, जिसने अपने बहन और सास का मर्डर करके रखा था। वर्ष 2017 में वह जमानत पर छूटने के बाद फरार हो गया था। इसके बाद उसके आतंक का क्षेत्र बढ़ता चला गया। प्रीत सेको का नाम चर्चा में जब आया था, जब इसने एक शादी समागम में फतेहगढ़ चूड़िया रोड के रहने वाले बाउंसर जगरूप सिंह उर्फ जग्गा से किसी बात पर विवाद हो गया था। सेको ने जगरूप को चेतावनी दी थी कि वह उसकी हत्या कर देगा। वर्ष 2020 को जगरूप सिंह रंजीत रेवेन्यू स्थित होटल में ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था। सेको ने 3 साथियों के साथ मिलकर रास्ते में ही जगरूप पर हमला कर दिया। जगरूप और उसके साथी ने सेको और उसके साथियों का मुकाबला किया तो सेको ने पिस्तौल निकालकर जगरूप के सीने में 5 गोली मार दी। प्रीत सेको ने यह हत्या रंजिश में की थी। इसके बाद केंद्रीय फतेहगढ़ जेल में बंद गैंगस्टर प्रीत सेको को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है अमृतसर के कुख्यात गैंगस्टर विक्की गोडर का। विक्की गोडर कोप का दूसरा नाम था। विक्की गोडर पर हत्या के प्रयास, लूट डकैती के ढेरों आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि विक्की गोडर का वर्चस्व इतना बढ़ गया था कि पूरे अमृतसर में वह छोटा बड़ा गैंगस्टर विक्की गोडर से खोप खाता था। अमृतसर पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। वह हर हाल में विक्की गोडर को गिरफ्तार करना चाहती थी। विक्की गोडर का नाम चर्चा में जब आया, जब वह नाभा जेल तोड़कर फरार हो गया था। विक्की गोडर विदेश भागना चाहता था, इसलिए उसने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को संदेश दिया था और सोशल मीडिया न्यूज वायरल कराई थी। अमृतसर पुलिस जानती थी कि विक्की गोडर विदेश नहीं भागा है, वह तो भारत में ही है। अमृतसर पुलिस के पास एक टेप थी जिसमें 3 लोग बात कर रहे थे। जब पुलिस ने यह टेप चेक कराई तो इसमें तीसरे व्यक्ति की आवाज़ विक्की गोडर की थी। आपको बता दें कि विक्की गोडर और अमृतसर पुलिस की 6 बार मुठभेड़ हुई थी। विक्की गोडर हर बार पुलिस से बच कर निकल जाता था। पुलिस ने गोडर के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की और विक्की गोडर को दर्द पहुंचा। कुख्यात विक्की गोडर का राजपुरा पुलिस ने राजस्थान के हिंदूमल कोट के गांव पक्का डिब्बी की टहनी में एनकाउंटर कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन अमृतसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, हमने सभी जानकारी गूगल के माध्यम से ली है, जिसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।